हेलो एवरीवन, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पॉलीनोमिया आईएएस पर। दोस्तों, कल हमने बात की थी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के महत्व के बारे में, तो आज उसी महत्व को एग्जांपल के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एमपीपीएससी के मेन सिलेबस के जनरल स्टडीज़ के पेपर टू के पार्ट ए के बारे में, जो कि पॉलिटी का पेपर है। देखिए, पॉलिटी के पेपर में 12 पॉइंट्स में हमारा सिलेबस डिफाइंड किया गया है। पहले पहले पॉइंट में दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, ठीक है। उसी में दिया गया प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और डीपीएसपी, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स और कंपैरिजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले पॉइंट में दिए गए हैं। वहीं दूसरे पॉइंट में दिया गया सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तीसरे में दिया सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। चौथे में जुडिशरी के बारे में बताया गया है। पाँचवें में इंडियन यूनियन, सेंटर स्टेट रिलेशन, डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के नेचर के बारे में पूछा गया। छठे पॉइंट में बताया गया डिसेंट्रलाइजेशन और वो सारे एस्पेक्ट जो कि प्रोविजंस जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में के अंदर आते हैं। सेवन्थ पॉइंट में लोकपाल, लोकायुक्त, लोक न्यायालय, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL क्या होता है, ये सब बताया गया। आठवें पॉइंट में दिया है अकाउंटेबिलिटी और राइट्स, बाकी तमाम कॉम्पिटिशन कमीशन हुआ, कंज्यूमर कोर्ट्स हुआ, इंफॉर्मेशन कमीशन हुआ, वुमेन कमीशन हुआ, ह्यूमन राइट्स हुआ, SC ST OBC कमीशन हुआ और बाकी तमाम एजेंसी और अथॉरिटीज़। इसी के साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भी बात की गई है, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की गई है, राइट टू सर्विस की बात की गई है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड कैसे होता है इसके बारे में एक टॉपिक है। वही नाइन्थ पॉइंट जो है वो है डेमोक्रेसी एट वर्क, मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी अपना काम करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये नाइन्थ पॉइंट पे दिया गया है। इसी के साथ टेंथ पॉइंट में बात की गई इलेक्शंस की, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। इलेवंथ पॉइंट पे बात की है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, NGOs वगैरह क्या होता है, इन सब के बारे में। ट्वेल्थ में बात की गई है इशूज़ और रोल ऑफ मीडिया, इसके ऊपर कंसिस्टेंट क्वेश्चन हम MPPSC में देखते हैं। तो दोस्तों, जब MPPSC के मेंस का पेपर हम देखते हैं तो ये सामने आता है कि 2014 से 18 के मुख्य परीक्षा के बीच, ठीक है, पूछे गए सवाल और उनका स्तर बहुत बेसिक है। ये एक एनालिसिस हम करेंगे तो हमको समझ में आएगा। कहने का मतलब, बेसिक कहने का मतलब ये है कि जो भी सवाल हमारे प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं वो सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स के बाहर नहीं गए हैं, वो एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बना करके पूछ लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सिलेबस में टॉपिक दिए हैं वैसे ही प्रश्न पूछ लिए गए हैं वर्ड टू वर्ड से। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे 2014, 15 और 16 में कंसिस्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन सी कंट्रीज से लिए गए हैं, इसके ऊपर एक सवाल है इन तीनों सालों में पूछे गए, ये हमारे सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन है। वहीं दूसरा सवाल 14, 15 और 16 में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स हमारे सिलेबस में डायरेक्ट वर्ड ऐसा दिया हुआ है। वहीं 2014, 2016 और 2018 में फंडामेंटल राइट और DPSP के मतलब डिफरेंशिएट करने के ऊपर एक क्वेश्चन है। DPSP और फंडामेंटल राइट हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है। 14 और 15 में जुडिशियल एक्टिविज़म के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये तो हम तो दोस्तों ये तो हमने बात की 3 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, जो कि डायरेक्ट जैसे सिलेबस में दिए गए हैं वर्ड टू वर्ड वैसे ही पूछ लिए गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चंस के स्तर के बारे में, तो हम अपने दूसरे टॉपिक पे आ सकते हैं, टेक्निकलिटी पे। अब जब हम बात करेंगे स्तर के बारे में, तो दोस्तों हम यदि 2014, 15 और 16 के प्रश्न पत्र देखें तो हमें मूलतः सारे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, चाहे 3 मार्क्स के हों, 6 मार्क्स के हों या 15 मार्क्स के हों, वो ज़्यादा टेक्निकल या एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं है। देखिए, 3 मार्क में तो एनालिटिकल और टेक्निकलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको 1 और 2 पंक्ति में ही जवाब लिखना होता है। मगर 6 मार्क्स और 15 मार्क्स में टेक्निकलिटी और एनालिसिस का स्कोप बढ़ जाता है। हालांकि 14, 15 और 16 के मेंस के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें इतना कोई एनालिसिस करते हुए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उदाहरण के तौर पर 2014 में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में के पावर्स के बारे में बताने के लिए ऊपर क्वेश्चन था। वहीं दूसरा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की यूटिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन था।
वहीं एक डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के ऊपर था। 2015 में देखें तो मेजरली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कमीशंस को लेकर के थे, जैसे यूपीएससी के फंक्शंस पूछ लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के फीचर्स पूछ लिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पावर्स पूछ लिए। वहीं 16 में डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्स को लेकर के था, एक क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था, तो जो कि ये सिलेबस के टॉपिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस बना दिए गए थे 2014, 15 और 16 में। हम देखते हैं, देखिए इन्हीं के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इनके बारे में भी रिपीटेड एंड कंसिस्टेंटली किसी न किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि ज़्यादा बेसिक ही स्तर अपना तैयारी का रखना है। पर दोस्तों जब हम बात करते हैं 2017 और 18 में जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो 2015, 14, 15 और 16 की तुलना में कुछ सुधरा हुआ नज़र आता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि 17 और 18 के प्रश्न कुछ हद तक एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 और 18 के मेंस पेपर में। देखिए एग्जांपल दूँ तो 2017 में जो 6 मार्क्स के जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें एक क्वेश्चन था कि लोकायुक्त के बारे में उसकी विफलता यानी फेलियर की चर्चा करने पर एक प्रश्न था, एक प्रश्न ट्रांसपेरेंसी के ऊपर था, एक प्रश्न पब्लिक पार्टिसिपेशन के को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर एक प्रश्न था। वहीं 2017 में 15 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री का गवर्नेंस में जो रोल है उसके ऊपर क्रिटिकल एग्जामिन करने पर एक प्रश्न था। एक क्वेश्चन था अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वर्किंग के ऊपर क्रिटिकल एग्जामिन करिए, ठीक है। ऐसी 2018 में एक क्वेश्चन था फेडरल सुप्रीमेसी को कैसे गवर्नेंस के फंडामेंटल एलिमेंट के तहत हम बोल सकते हैं, ये एक क्वेश्चन था। ब्यूरोक्रेसी का पंचायती राज में क्या रोल है, ये एक क्वेश्चन था। देखिए ये सब एनालिटिकल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको याद रखना है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 और 18 में, तो इसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे और इसके हिसाब से हमारी तैयारी का जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि हम ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ साथ हम करंट इश्यूज़ पर भी ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा सिलेबस ड्रिवन अप्रोच हमारी रहेगी, सिलेबस से ज़्यादा और सिलेबस से बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में डिफाइंड है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेक्चर में बात करेंगे, समझेंगे। तीसरी जो चीज़ इसमें लिखी है वो है रैशनल अंडरस्टैंडिंग। रैशनल अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है, देखिए हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सबसे देखिए ऐसा तो है नहीं कि हर टॉपिक का एक कोई बैकग्राउंड हो, मगर जिस भी टॉपिक में हमें लगेगा कि उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए हम पहले उस टॉपिक का बैकग्राउंड समझेंगे, फिर उसके बाद उस टॉपिक के डायमेंशन समझेंगे, ठीक है। ये हमारी रैशनल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम सारे पहलू कवर करें उस टॉपिक को लेकर के। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे COVID-19 ही ले लीजिए, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसके डायमेंशंस होंगे कि ये हेल्थ के साथ साथ ये इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे भी है, ठीक है। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स एनवायरमेंट में हैं, एनवायरमेंट को देखते हुए कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसका एजुकेशन के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, जैसे स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसका एक इफेक्ट सोशल एस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे हम सारे टॉपिक्स का जितना हो सकेगा डायमेंशन के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यूपीएससी की, ठीक है। तो दोस्तों यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत डिफाइंड और वास्ट है, ठीक है। बस हमें हर टॉपिक की जो सिलेबस में दिया हुआ है उन सभी का एक एनालिसिस करते हुए अपनी तैयारी करना है। करंट इश्यूज़ को सिलेबस से रिलेट करते हुए पढ़ना ही हमारी तैयारी का जो है सफल हमारी तैयारी को सफल बनाएगा, इतना याद रखना।
तो करंट इश्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। देखिए सारे प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड होते हैं, और इसी के साथ साथ हमें अपनी अप्रोच को लिमिट में रखते हुए डाइवर्स और डिटेल्ड तैयारी करनी है। अब ये डाइवर्स और डिटेल्ड तैयारी लिमिटेड अप्रोच में कैसे हो सकती है? तो दोस्तों देखिए, लिमिटेड अप्रोच से मेरा मतलब है कि हमें कि सोर्सेस की अगर हम बात करें तो मार्केट में सोर्स बहुत है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, तो 3-4 बुक मार्केट में अवेलेबल है, मगर हमारा जो अप्रोच रहेगा वो पहला एनसीईआरटी कवर करना होगा, दूसरा कोई एक रेफरेंस, सिर्फ ये दोनों पढ़ते हुए ही हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, और सारे डायमेंशंस हम इतने ही सोर्सेस के ज़रिए निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही चीज़ हमारी करंट इश्यूज़ यानी कि करंट अफेयर्स पर भी लागू होगी, ठीक है। लिमिटेड सोर्स से हम अपनी करंट की तैयारी करेंगे। दोस्तों एक बात और कि हमारा जो लेक्चर होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, बाइलिंगुअल का मतलब है मेजरली हिंदी में ही होंगे जैसे ये चल रहे हैं, ठीक है। और जो भी कंटेंट जो आपको दिया जाएगा वो इंग्लिश में होगा। देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझा पाऊँगा, और चूंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड का हूँ, मेरा मीडियम इंग्लिश है, इसलिए सारे कंटेंट आपको इंग्लिश में ही उपलब्ध हो पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो ये एनालिसिस का जो सेशन है ये ख़त्म होता है। अब आपको इस वीडियो के कुछ टाइम बाद ही पॉलिटी का पहला लेक्चर, जिसमें कि हमने बात की है, हम समझेंगे कि कौन भारतीय संविधान का इतिहास क्या था, इसके ऊपर हमने चर्चा की है, वो आपको इस वीडियो के बाद तुरंत मिल जाएगा, कुछ ही देर में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर अगर आपको ये पसंद आया हो, और नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपकी जो भी क्वेरी है वो आप बताइए, उसमें सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।